हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे गुरु ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज आपका 9 मई 2020 बनता है, तो आज का जो 9 मई है उसका हम करंट अफेयर का सेशन देख लेंगे, क्या आज करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो करंट अफेयर हम आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं वो एकदम तर्कसंगत और सार्थक आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन अपने सेशन में शामिल करते हैं जो आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी कंपटीशन की, उनमें आने लायक है और 100% चांस इसमें से आपके क्वेश्चन आने के बनते हैं। इसी के साथ में सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या इस सेशन को जो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन वो अपने सभी दोस्तों को, प्यारों को इसे शेयर कर दें और इसी के साथ में एक प्यारा सा लाइक दे दें। तो आज के सेशन की बात कर लेते हैं। तो आज के सेशन की यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसी के साथ में आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ ने COVID-19 से जुड़ी सभी सूचनाओं को आम जन, यानी कि जो वहाँ की जनता है चंडीगढ़ की, उससे साझा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, वो ऐप का नाम है CHD कोविड, ये आप याद रखेंगे। अब आपको बता देते हैं कि इस ऐप की क्या खासियत है। तो इसमें कोरोना से संबंधित सभी सरकारी व गैर सरकारी जो योजना जानकारी या फिर कोई इससे संबंधित सूचना है वो आम जन यानी कि जनता को मिल सकेगी, उनको पहुंच सकेगी। इसी के साथ में अगर हम चंडीगढ़ की बात कर लें तो आपको फोटो दिखा देते हैं। चंडीगढ़ भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है और जो हमारा जो ये स्वच्छता अभियान चला था 2016 में, उससे पहले जो चंडीगढ़ था वो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल होता था। इसके बाद भी हुआ है लेकिन उससे पहले सबसे स्वच्छ शहरों में इसका नाम आता है और गार्डन सिटी इसे कहा जाता है। इसी के साथ में चंडीगढ़ के जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आपको पता ही है, साथ में दो राज्यों की भी ये राजधानी बनता है चंडीगढ़, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य शामिल हैं। इसी के साथ में आपके यहाँ प्रशासक की बात बता दें तो यहाँ उपराज्यपाल या राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ प्रशासक होते हैं और आपके जो प्रशासक बनते हैं वो बनते हैं बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर, मुख्य न्यायाधीश। जो आपका यहाँ न्यायालय लगता है उच्च न्यायालय, वो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय लगता है जो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो इस उच्च न्यायालय के जो रविशंकर जहां हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी के साथ में आपको बता दें भारत का चंडीगढ़ दूसरा शहर बन गया है जो ड्रोन की मदद से सैनिटाइज हो रहा है, यानी कि ड्रोन से जो सैनिटाइज कार्य किया जा रहा है कोरोना से सैनिटाइज का, वो आपका चंडीगढ़ है। अगर पहले की बात करें तो आपका इंदौर है, नहीं भोपाल है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए, आपका पहला केरोसिन मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़। अगर इसी के साथ में ज़िले की बात करें तो भारत का पहला ज़िला बना है गांधीनगर, जो गुजरात में है। इसी के साथ में जो एग्जिट ऐप है वो भी अभी आपका पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आपको हम कुछ महत्वपूर्ण ऐप बता देते हैं इसी से संबंधित, जब ऐपों की बात चली रही है। तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में चलाई गई, निगाह ऐप हिमाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, एक्सेस टू COVID-19 टूल एक्सीलेटर पहल जो है वो आपकी G20 समूह के द्वारा हाल ही में चलाई गई है, कम कीमत के वेंटर जो आपके वेंटिलेटर हैं उनका उत्पादन कोरोना जो प्रभावित हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा, गौतम बुद्ध नगर में इसका निर्माण चल रहा है।
तो ये कुछ योजनाएं थी इस क्वेश्चन से संबंधित जो हमारे ध्यान में आई हैं वो हमने बता दी, और जो रह गई हैं वो आपको अगले जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देंगे ध्यान आते ही। इसी के साथ में देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो आपको पता है ISIS का जो आतंकवाद था उसको ख़त्म करने के बाद में यहाँ पहली बार चुनाव हुए हैं और आम चुनाव पूर्ण शांतिपूर्ण हुए हैं। इसके पहले यहाँ अगर आपको हम बता दें जो इराक के PM थे आदिल अब्दुल मेहंदी साहब, उन्होंने 2019 में ही नवंबर में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये जो पद था वो खाली था और अब इस पर नए जो PM यानी कि प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कादिमी कादिनी कादिनी मी, ये आपके कादिमी आपके PM साहब बनते हैं। और आपको बता दें कि जो ये मुस्तफा साहब हैं ये पहले जो अमेरिकी खुफिया या जासूस एजेंसी थी उसके हेड भी रह चुके हैं। इराक की राजधानी आपकी बगदाद बनती है, मुद्रा बनती है आपकी दिनार, और आपके राष्ट्रपति आपके बरहम सोलिया बनते हैं और PM आपके मुस्तफा अली कादिमी बन गए हैं। अगर आपको बता दें मोहम्मदुद्दीन यासीन, तो ये अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। इसी के अलावा अगर आपको मैं बताऊं स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कुछ समय पहले ही, जुजाना कैपुटोवा नाम इनका है। इसी के साथ में श्रीलंका के अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं गोताबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका के PM बने हैं, दोनों छोटे बड़े भाई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जनवरी 2020 में बने थे। रसिया के नए PM आपके मिथाइल मिस्टुटिन बन चुके हैं, रसिया के नए PM बने हैं अभी हाल ही में, और प्रेसिडेंट आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन। इसी के सना मारिन जो हैं वो फिनलैंड की PM बनी हैं हाल ही में। लेबनान के नए PM बने हैं हसन दियावी, जो लेबनान है इसको आप याद रखना क्योंकि अभी लेबनान पहला मुस्लिम कंट्री बन गया है जिसने भांग की खेती को वैध करार दे दिया है। इसी के साथ में एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के PM बने हैं और हाल ही में बने हैं, पहले भी ये PM थे, दूसरी बार लगातार बने हैं। तो ये कुछ आपके वैश्विक राजनेता थे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है, इसको आप जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, हाल ही में चर्चित तोमान किस देश की मुद्रा बनेगी। तो देखिए हाल ही में ईरान ने घोषणा कर दी है कि जो उसकी नई जो करेंसी है वो तोमान होने वाली है। अब आपको हम बता देते हैं कि ईरान की क्या स्थिति है। तो देखिए वर्तमान समय में यहाँ की जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल है, और ईरानी जो रियाल है वो अमेरिकी प्रतिबंध जो लगाए गए हैं ईरान पर उसके चलते इसकी जो वैल्यू है वो बहुत डाउन हो गई है। तो इसी वैल्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो ईरान की संसद है उसने नई करेंसी को एक विधेयक मंजूरी दे दी है इससे संबंधित, और इस विधेयक के अनुसार अब ईरान अपनी नई करेंसी लॉन्च करेगा जिसका नाम रहेगा तोमान। और जो 1,000 रियाल है वो 1 तोमान के बराबर होगा। इसी के अलावा बता दें जो ये करेंसी वाला काम चलेगा इस काम के लिए जो यहाँ की संसद है उसने बैंक ऑफ ईरान को 2 वर्ष का समय दे दिया है मुद्रा परिवर्तन के लिए। तो 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर नई करेंसी चालू हो जाएगी। अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं डिटेल में कि हाल ही में कुछ समय पहले ही 8 अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने भी अपनी मुद्रा को बदल दिया है, और इन्होंने जो इनकी मुद्रा थी फ्रैंक उसको बदलकर इको
के इको में परिवर्तित कर लिया है। अब वो अफ्रीकी देशों के बारे में बता देते हैं। एक तो है माली, नाइजर, सेनेगल, टोंगो, टोगो, टोंगो नहीं, टोगो, पेनिन, बुर्किना पासो थाए, ये एक देश है अफ्रीकी। और इसके अलावा जो सातवां देश है वो है निविसा उथा, एक देश है। इसी के साथ में आई बेरी कोस्टा का था, ये कुछ देश हैं अफ्रीकी, 8 देश जिन्होंने अपनी करेंसी बदली है। अगर इसी के साथ में हम आपको ईरान की जानकारी बताएं तो राजधानी रहेगी तेहरान, राष्ट्रपति रहेंगे हसन रूहानी साहब, और मुद्रा रहेगी आपकी जो वर्तमान में अभी चल रही है ईरानी रियाल, और जो प्रस्तावित है वो आपकी तोमान है। और यहाँ के जो नए कमांडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं इस्माइल कानी, तो ये आप नाम ध्यान रखेंगे कि ईरान के नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं। इस्माइल कानी साहब यहाँ नए कमांडर बने हैं। इसी के साथ में चाबहार जो बंदरगाह है उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है यहाँ पर, और जो भारतीय नौसेना है इसने यहाँ पर अपना अड्डा स्थापित किया है चाबहार बंदरगाह पर। इसी के साथ में कासिम जो सुलेमानी है उसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इनकी अमेरिका के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या के बाद ही जो कासिम सुलेमानी है उनका स्थान लिया है इस्माइल कानी ने। और जो ये कासिम सुलेमानी जी हैं इनकी जो अमेरिका ने हत्या करी थी, इसके बाद में ईरान और अमेरिका में बहुत खटास आ गई थी दोनों देशों के बीच में, और विश्व युद्ध के जैसे विश्व में हालात हो गए थे इनकी टकराव से। तो ये आपको बिल्कुल हर हाल में ध्यान रखना है। अगर आपको मैं बताऊँ ईरान से संबंधित, तो एक नूर नामक एक सैन्य सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है ईरान ने, और इसी के साथ में एलिंजा जो फिरोजा है जो आपके चेस खिलाड़ी हैं ये भी आपके ईरान से ही हैं, जिन्होंने हाल ही में नॉर्वे के जो विश्व चैंपियन है उनको हराकर वर्ल्ड चेस बंटर ब्लिटसन जो कप था वो जीत लिया है। और जो ये प्रतियोगिता इन्होंने जीती है ये ऑनलाइन प्रतियोगिता थी। इसके साथ में हसन रूहानी साहब की ये फोटो है, और ये जो नई तोमान करेंसी होगी उसकी फोटो है, और इसके नीचे आपको डॉलर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉलर पर भारी पड़ने वाली है ये, क्योंकि डॉलर की वैल्यू के बराबर, या कहें कि जो डॉलर की वैल्यू है उसके लगभग इसकी मतलब वैल्यू, वैश्विक वैल्यू इसकी रहेगी। तो इसी के साथ में आपको बता दें जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। जो VN था, ये जो विजयंत साहब हैं, विजयंत थापर इनके ये पिता हैं VN थापर, और नेहा द्विवेदी इनकी बहन है यानी कि VN थापर की पुत्री हैं, और इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और जो ये किताब लिखी गई है ये एक जीवनी पुस्तक है जो कि विजयंत थापर की जीवन के ऊपर लिखी गई है। और आपको हम विजयंत थापर के बारे में बताएं तो इन्होंने 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, उसमें इन्होंने सैन्य अभियान में ये शहीद हो गए थे, और ये एक कैप्टन के रूप में उस कारगिल युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। और कारगिल युद्ध में इनके अदम्य साहस के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा सन 2000 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ में कारगिल विजय दिवस है जो प्रति वर्ष आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको एक जानकारी दें तो जो आपके विजयंत साहब थे ये जिस समय शहीद हुए थे मात्र इनकी उम्र थी 22 वर्ष, और जो कारगिल युद्ध का जो पहला पड़ाव था वो इनके द्वारा ही जीता गया था, जिसके चलते ये शहीद हो गए थे। और इसी पड़ाव के जीतने के बाद में जो कारगिल विजय है वो संभव हो पाई थी, तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा कारगिल युद्ध में रोल रहा था।
ऐसे नौजवानों को और देश में जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं जो बॉर्डर पर लगातार हमारे बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से और हमारे इस चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से एक जोश भरा जय हिंद, एक जोश भरा उनको सलूट है मेरी तरफ से। और इसी के साथ में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बार आपको फोटो दिखा देते हैं, तो ये आपके विजयंत साहब हैं, इनके साथ में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं इंडिया के? तो ये बनाए गए हैं आपके कुशल रॉय। अगर इसकी बात करें सर, तो ये पहले टाटा कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड के एमडी और सीओबी रह चुके हैं, ये आपके कुशल रॉय साहब हैं। अब इन्हें स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इसकी शाखा है भारत में, इस बैंक की, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की जो शाखा है भारत में, उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। अब आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें, स्टैंडर्ड जो चार्टर बैंक है, ये इसकी स्थापना 1969 को लंदन में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी आपका लंदन बनता है। और जो इसके जो लंदन वाली जो चार्टर बैंक है, इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं आपके बिल विट्सन, बिल गेट्स मत समझ लेना, बिल विट्सन मैंने यहाँ पर नाम बोला है, कभी आप सुनने में कन्फ्यूजन हो जाए तो दोबारा बता देता हूँ, बिल विट्सन साहब इनका नाम है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने CMAPP नामक, मतलब CMAP नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। अगर यहाँ पर इस ऐप की हम आपको खासियत बताएं, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी साहब, उन्होंने उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये किसानों के सहायतार्थ और हितार्थ, यानी कि किसानों की सहायता के लिए और उनके हित के लिए लॉन्च किया गया है। अब इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं CMAPP की, तो इसकी फुल फॉर्म होगी कंप्रेसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूमेंट, इसकी फुल फॉर्म होगी। इसी के साथ में अगर आपको मैं फोटो के साथ में अगली डिटेल बताऊं, तो आंध्र प्रदेश की जो स्टेटिक जीके है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी आपकी अमरावती, और अमरावती में ही आपका नया भारत का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे YS जगमोहन रेड्डी साहब। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर 5 हैं, और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उच्च जो न्यायालयों के न्यायाधीश हैं या उपराज्यपाल राज्यपाल है, उनसे संबंधित हमने हमारे इसी चैनल पर एक बहुत अपडेट वाली, एक 30 अप्रैल तक की अपडेट वाली एक वीडियो डाल रखी है, उसको आप जरूर देख लें। उसमें आपको आंध्र प्रदेश के जो 5 उपराज्यपाल हैं उनके नाम भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश आपके जे के महेश्वरी साहब हैं। यहाँ राज्यसभा की 11 सीट हैं, लोकसभा की 25 सीट हैं, विधानसभा के साथ यहाँ विधान परिषद भी बनती है, और जो विधानसभा की सीट हैं वो 175 हैं। और इसी के साथ में अगर आपको हम बताएं, आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषीय आधार पर बनने वाला राज्य था। इसी के साथ में जैसा कि हम रोज एक क्वेश्चन लेते हैं विस्तार से, तो उसी कड़ी में आज हम आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा ऐप, जो कि महिला सुरक्षा से संबंधित था, वो लॉन्च किया था, और साथ ही महिला एक्ट यानी कि महिला कानून भी लॉन्च किया था, जो महिला उत्पीड़न व महिला छेड़छाड़ व दुष्व्यवहार से संबंधित था। इसी के साथ में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय तेलुगु केंद्र का उद्घाटन किया गया था।
इसी के साथ में कुछ योजनाएं आपको हम आंध्र प्रदेश से संबंधित बता रहे हैं, याद रखने का कष्ट करेंगे आप। नेहरू योजना, कांति वेलग्यु योजना, वाई आर एस भरोसा योजना, नाडू येदु योजना, जगन्ना विद्या दिवेन योजना, ये आपकी आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजना रहेंगी। इसी के साथ में जो कुछ समय पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो तीसरा नंबर प्राप्त हुआ था वो आपको आंध्र प्रदेश को मिला था। फर्स्ट नंबर पर इसमें असम और दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा था। तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन का आपको नाम ध्यान रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेट इसकी लोकेशन बनती है। भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन थी वो यही तड़ीपत्री स्टेशन से चलाई गई थी, और इस फ्रूट ट्रेन के जरिए ईरान को केला और कुछ विशेष फल भेजे गए थे, मुख्य रूप से इसमें केला भेजा गया था। कृषि मंत्रालय के 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर था, और सब्जी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर आपका पश्चिमी बंगाल था, ये हमने आपको कल बताया था। इसी के साथ में मिलन 2020 युद्ध अभ्यास, जो कई देशों का एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास होता है, ये आपका विशाखापट्टनम में होना था मार्च में, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और आपको अगर हम बताएं तो यह नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में किया जाता है। 2020 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये नहीं हुआ, आगे के लिए इसको सरका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो विशाखापट्टनम जो है वहाँ पर आपका भारत रेलवे का या भारतीय रेलवे का 18वां नया जोन स्थापित किया गया है, जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे, ये आप ध्यान रखेंगे साउथ कोस्ट रेलवे के बारे में। इसी के साथ में जो आंध्र प्रदेश है इसकी तीन राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम है, इसी के साथ में अमरावती और कुर्नूल आपकी यहाँ राजधानी बनती हैं। तो जो अमरावती है वो यहाँ की मेन राजधानी रहेगी। तो ये कुछ डिटेल थी आपकी आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में यदि आपको लगता है कि हम आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं, या आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत से आपको जो डेली करंट अफेयर का सेशन है उसको करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ में अपने दोस्तों को आप इसको शेयर करें सेशन को। और यदि आप हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर दें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो या सेशन आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी जानकारी, कल हमने आपको एक डेली करंट अफेयर से अलग एक सेशन दिया था, और एक 15-20 मिनट की क्लास दी थी, जिसमें हमने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और उसमें जो टैग लाइन दी गई है वो ये दी गई है कि रटो मत, ध्यान से समझ के पढ़ो और याद हो जाएगा। तो आपको वास्तव में आपको रटना नहीं है, उसे बस 2-3 बार देख लेना है, उसी के साथ ही आपको वो जीवन में ना भूलने वाली याददाश्त के साथ याद हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं आके DPS नेगी साहब, और अब आपको हम इसके बारे में बता देते हैं। देखिए जो DPS नेगी हैं ये 1985 के IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर हैं, और इनको अभी हाल ही में श्रम ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। अब आपको हम बता दें कि जो श्रम ब्यूरो है ये भारतीय के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, और इस मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री हैं वो हैं संतोष गंगवार, जो कि हमारे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं।
अब आपको हम बताएं तो श्रम ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1946 को हुई, और स्थापना तो इसकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1 अक्टूबर 1946 को इसका नाम परिवर्तन कर श्रम ब्यूरो रखा गया। पहले इसका नाम था निर्वाह लागत निदेशालय, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनता है आपका चंडीगढ़ में शिमला, और सब हेडक्वार्टर इसके 4 बनते हैं। इसी के साथ में इस पद के साथ जो DPS नेगी साहब हैं वो इस मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का पद भी संभालेंगे। तो ये जानकारी आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे इस जानकारी से। इसी के साथ में आपको अगला क्वेश्चन बताएं तो अगला क्वेश्चन रहेगा कि चीन ने हाल ही में अपने हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो सर उसका नाम रहेगा द लॉन्ग मार्च 5B। और अब आपको हम बता देते हैं कि यह जो रॉकेट है वो लॉन्चिंग चाइना के नए स्पेस प्रोग्राम में बढ़ते कदम का इशारा है। यानी कि जो ये रॉकेट लॉन्च किया गया है ये चाइना के जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है उनकी तरफ इशारा करता है। 2022 तक एक स्थायी स्पेस स्टेशन का संचालन करने का भी यहाँ पर जो मन है चाइना बना रहा है। हाल ही में चंद्रमा पर 6 लोगों का एक ग्रुप को भेजने का भी योजना जो आपका चाइना है वो बना रहा है, और 2021 तक ये उस ग्रुप को चंद्रमा पर भेज देगा। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग बन जाती है, मुद्रा बन जाती है मुद्रा आपकी बन जाती है रैम गिनवी मिनवी। इसके साथ में जो यहाँ प्रेसिडेंट है सी जिपनिंग साहब याद रखेंगे, और कोरोना उत्पादक देश तो ये है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप किसी भी कंडीशन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो कोरोना है उसकी उत्पत्ति वुहान शहर के मीट मार्केट से हुई थी या मछली मार्केट से हुई थी, ये आप सभी को पता है। और पूरा देश इस समय कोरोना से जूझ रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इस चीज़ को तो आप खैर उम्मीद करता हूँ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अब आपको हम दे देते हैं। तो देखिए जो चाइना का वुहान शहर है वहाँ एयर इंडिया से 324 भारतीयों को भारत में लाया गया था, और कुछ समय पहले में पिछले वर्ष 2019 में जो चाइना है वहाँ का जो वुहान शहर है वहाँ पर एक वसु चैम्पियनशिप हुई थी, और इस वसु चैम्पियनशिप में भारत के प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। और जो वुशु होता है ये एक प्रकार का चाइनीज मार्शल आर्ट गेम होता है। इसी के साथ में अगर हम आपको बता दें तो बीजिंग जो चीन की राजधानी है वहाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और AIIB का हेडक्वार्टर भी स्थित है। इसी के साथ में और डिटेल अगर आपको बताएं तो चाइना का एक शहर है होंगजू शहर, और इस होंगजू शहर में 19वें एशियाई खेल 2022 में होना प्रस्तावित है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा नवा क्वेश्चन, ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुरेश के रेड्डी साहब, और सुरेश के रेड्डी साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले मतलब इस पद पर आने से पहले आसियान जो समूह है वैश्विक समूह है उसके भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थे आसियान में। इसी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट नेम आपके फॉरेन मिनिस्ट्री से मेरे ध्यान आ रहे हैं एम्बेसडर से, तो नम्रता एस कुमार है जिनको हाल ही में स्लोवेनिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में दीपक मित्तल साहब का नाम भी मेरे ध्यान आता है, और ये कतर के हाल ही में एम्बेसडर बनाए गए हैं। यहाँ एक नाम और बहरीन से संबंधित है पीयूष श्रीवास्तव जिनको बहरीन का एम्बेसडर बनाया गया है। एक आपका हम बता दें
ऑस्ट्रिया जो आपका देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पर जयदीप मजुमदार साहब को एम्बेसडर के रूप में अभी निर्वाचित, सॉरी, जो जयदीप मजुमदार हैं उनको ऑस्ट्रिया का नियुक्त किया गया है एम्बेसडर। इसी के साथ में ब्राजील की बात करें तो राजधानी रहेगी ब्राजीलिया, मुद्रा रहेगी आपकी ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट रहेंगे जेयर बोल्सोनारो। और जो बोल्सोनारो हैं ये 2020 का जो भारतीय गणतंत्र दिवस था उस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ब्राजील के बारे में और आपको अगर नवीनतम डिटेल बताएं एकदम लेटेस्ट, तो ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां दो रेखाएं निकलती हैं। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये आपकी क्रॉस होती हैं ब्राजील से। इसके अलावा हाल ही में यूनेस्को ने ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां आपका ओलंपिक भी हुआ था रियो डी जेनेरियो शहर में, इसको 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व धरोहर राजधानी के रूप में चुना गया है। और जो आपका ब्राजील है इसमें भारत और चाइना के जो पर्यटक हैं उनके लिए मुफ्त वीजा सुविधा उपलब्ध कराई है हाल ही में। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। ये आपके ब्राजील के नए एम्बेसडर के रूप में जो ब्राजील में नियुक्ति की गई है, सुरेश के रेड्डी साहब की फोटो है। किस राज्य सरकार ने भारत हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसी के साथ में जो उत्तर इस ऐप की बात करें तो इसमें किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, खास तौर से कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास करने हेतु बहुत सारे उपाय, उपचार, आयुर्वेदिक टिप्स बताई गई हैं। और इसको लॉन्च किया है आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा। अगर स्टेटिक जीके की बात करें तो देखिए लखनऊ यहाँ की राजधानी बनती है जो गोमती नदी के किनारे पर है। और आपका जो इलाहाबाद है वो आपकी न्यायिक राजधानी यूपी की बनती है। इसी के साथ में जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ दो बनते हैं, एक तो दिनेश शर्मा साहब, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य। इसी के साथ में जो राज्यपाल हैं वो आपकी आनंदी बहन पटेल हैं। ये तो आपका स्टेटिक का था। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं नवीनतम जानकारी, तो हाल ही में जो विश्व भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है वो खोला गया है आपका मथुरा के अंदर, जो कि यूपी में लोकेट है। इसी के साथ ही जो यूपी में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोला गया है। इसी के साथ में एक लगाम नाम का एक ऑपरेशन या कहें कार्यक्रम चलाया गया था, जो यूपी में जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके लिए ये चलाया गया था। तो ये समस्त जानकारी आप देख लेंगे। इसी के साथ में आज का जो आपके लिए कल का जो सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया था उसकी बात कर लेते हैं आज। तो हमने कल आपसे पूछा था कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग। साथ में आपको बता देते हैं आज का जो होमवर्क के लिए आपको सवाल दिया जा रहा है तो वो है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया है, तो ये आपको बताना है। इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, कमेंट करा करें। साथ में कोई अगर मोटिवेशनल कोट आपको अच्छा लगता है या आपके ध्यान में आता है तो आप प्लीज़ उसे यहाँ पर कमेंट करके सबके साथ में शेयर करें। और एक नए तरीके का आप यहाँ पर प्रचलन करें, जो आपके कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन के उत्तर या आपके जो मोटिवेशनल कोट जो कमेंट है उनको हम अपने सेशन में शामिल करेंगे आप सबसे शेयर करने के लिए। इसी के साथ आज
इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।